हाँ जी बच्चे, तो अब जो हम क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन तो वैसे 34 होना चाहिए, जिसके अंदर दो पार्टनर है, ठीक है, और 35 में भी दो है और 36 में भी दो है, तो 37 में तीन है। तो मैं आपके कन्वेंस के लिए, आपकी सहूलियत के लिए, मैं पहले तीन तीन पार्टनर वाले कर देता हूँ, फिर दो वाले, क्योंकि मेरा भी टाइम बचेगा और आप सब भी बोलते हो कि सर वीडियो आप बहुत लंबी बनाते हो, तो देखो इसका भी रीजन है। अब जब आपको जो चीज समझ में ही नहीं आएगी, मैं ऐसा तो कर नहीं सकता, चलो आज करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट टेबल और खत्म, पास्ट एडजस्टमेंट टेबल 2 सेकंड की वीडियो बनाती, तो ये नहीं पॉसिबल है। देखो पढ़ना है हमें तो, बाकी आपके पास देखो लिबर्टी तो है, और आप सभी के मन में आएगा यार वीडियो ही है, आराम से देखेंगे, लेट के देखेंगे, लेकिन ऐसे मजा नहीं आएगा आपको लाइफ में ना कभी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। बिल्कुल एक्टिव होके देखना है आपको वीडियो, और अपने मन में सोच लेना है कि भाई इस बार तो 10वीं तक तो जो गलती करी 10th क्लास तक, अब नहीं करना 12th में, और हमें अपने आप से मतलब रखना है, और इस बार मतलब कोई चैप्टर करे तो मतलब ये हमें आता है, बस दैट्स इट। ये नहीं कि इसके अंदर ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल है, नहीं, हमें पता है जी, और ये कॉन्सेप्टुअल है चैप्टर, तो हमें आता है PQR, ठीक है। तो वैसे आपके असाइनमेंट में 37 है, जिनके पास बुक है वो बुक में से भी ढूंढ सकते हैं अमाउंट के हिसाब से, तो मैं क्वेश्चन साइड में डिस्प्ले कर ही रहा हूँ अपने जो भी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। 37 में कहता है PQR तीन पार्टनर है, ठीक है, हमारे पास पार्टनर जो है वो है PQR, ठीक है, मे बी पॉसिबल है, मैं ऊपर उधर डिस्प्ले करूंगा, PQR तीन पार्टनर है, और कहता है यहाँ पे आफ्टर डिवीजन द प्रॉफिट ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 द कैपिटल पी, कहता है कि आफ्टर डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट, अंडरलाइन करिएगा अपने नोट्स में या फिर इसमें, कि जो डिवीजन होगा प्रॉफिट बांटने के बाद, देयर कैपिटल 1.5 लाख और 1,80,000, 2,10,000। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट बांटने के बाद आपका कैपिटल, मैं बता रहा हूं तो ऑब्वियस है कि कैपिटल आपका क्या है, हमारा क्लोजिंग कैपिटल है, कैपिटल क्या है हमारा, क्लोजिंग है, तो इसका जो कैपिटल है कैपिटल कैपिटल लिख देते हैं, कैपिटल क्या कैपिटल है, 1,50,000, क्योंकि इंटरेस्ट इस पे नहीं निकलेगा ना, मैं जनरली बातें कर रहा हूं, हम ना क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें माइंड में होना चाहिए, हो सकता है इस क्वेश्चन में इंटरेस्ट हो ही ना, तो लेकिन फिर भी मैं तो सोचूंगा भाई जब क्वेश्चन क्लिक होगा अच्छा क्लोजिंग तो यहाँ पे काम आएगा, ठीक है। दे विड्रॉन 20,000 ईच, सबने 20,000 विड्रॉन करा, द प्रॉफिट ईयर 60,000, द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दिया, वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एंड नॉट, कहता है कि जब फाइनल अकाउंट हमने बनाया, तो देखो फाइनल अकाउंट का मतलब P&L अप्रोप्रिएशन है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल आर नॉट अलाउड, दिए नहीं, तो सबसे पहले बताइए मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग पे देते हैं या ओपनिंग पे, हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का इसलिए पहले टॉपिक किया था तो याद रखें कि ओपनिंग पे, और ये कैपिटल है हमारा क्लोजिंग, तो हमें क्या करना है ओपनिंग पे बनाने के लिए, इसमें प्लस कर देंगे क्या ड्रॉइंग है ना, क्योंकि पहले माइनस किया होगा तो अब प्लस, और माइनस कर देंगे क्या प्रॉफिट, और 60,000 रुपये पार्टनर का प्रॉफिट है। अब ये नहीं बताया कि प्रॉफिट इसने कैसे बांटा, जब ना बताया जाए ना कि प्रॉफिट कैसे बांटा, तो मान लो कि रेशो में बांटा, जो कि क्या था हमारा इनका रेशो 1:2, ठीक है, चलिए, और इंटरेस्ट रेट क्या है हमारा 10%, तो अब बस कैलकुलेशन का काम है। 20,000 रुपये क्या ईच पार्टनर का, एक बार देख लेते हैं, कहता है क्वेश्चन में, कहाँ गया भाई क्वेश्चन, क्वेश्चन भाई विड्रॉन ईच, हाँ जी बिल्कुल 20,000 रुपये ईच है तीनों का, तो ड्राइंग 20,000 रुपये प्लस, तो बड़ा ही आसान टॉपिक है, देखिए अगर आप बिल्कुल समझदारी से और ध्यान से करेंगे कोई लैंग्वेज में दिक्कत नहीं है, और 60,000 का जो प्रॉफिट था इन्होंने इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होगा इस रेशो में, तो ये 60,000 रुपये हमें क्या करना है जी, इस 60,000 को माइनस करना है, तो डिवाइडेड बाय 5, तो 12,000 2 24,000 और 24,000, ठीक है ना। नाउ हमें जो कैपिटल मिलेगा वो ओपनिंग कैपिटल होगा, तो 1.5 लाख माइनस में सॉरी 1.5 लाख प्लस 20,000 माइनस में 12,000, ये 158 इसका कैपिटल आ गया, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे ना, 160 प्लस 20,000 माइनस में
24,176 और 210 प्लस 20 और माइनस में 1206, ये कैपिटल आ गया। ठीक है, इस कैपिटल पे हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना हम कैलकुलेट करेंगे, हमें ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या करा, बाय मिस्टेक पार्टनरशिप डीड में विदाउट प्रोवाइडिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट को बिना बांटे हुए इन्होंने बांट लिया। तो सबसे पहले तो जो फर्म ने इनको गलती से, यानी फर्म ने जो पार्टनर्स को गलती से प्रॉफिट बांट रखा है, वापसी लो, तो पार्टनर्स को करो डेबिट और फर्म को करो क्रेडिट। तो प्रॉफिट टेकन बैक लिख देता हूं मैं, प्रॉफिट टेकन बैक ले लिया आपके साधारण, बाकी रॉन्ग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन भी लिख दो तो कोई समस्या वाली बात है नहीं, वर्किंग नोट का पार्ट है। तो 60,000 इसने बांट लिए होंगे, सेम 12,60,000 रुपए इसके वापस लेंगे, तो फर्म बोलेगा ओहो वापस लिया, मेरे पास आ गया। फर्म के पास जब प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट, पार्टनर बोलेगा मेरे अकाउंट से 12 निकल जाएंगे, ये कहेगा जी 24 और ये कहेगा 24। समझ में आई आपको बात। अब देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। अब आप बताना, आपका नाम ए है, जब मैं आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो आपका कैपिटल क्या होगा बताइए, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दूंगा तो कैपिटल क्या होगा, सिंपल सा लॉजिक है, कैपिटल क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो कैपिटल क्रेडिट होगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है क्वेश्चन में देखिए, और क्वेश्चन में दे रखा है हमें परसेंटेज 10%। ठीक है जी सर 10%, तो 158 पे क्रेडिट करते हैं 15,800 और 176 पे 17,600 क्रेडिट, 206 पे 20,600 क्रेडिट, है ना। अब ये क्रेडिट किया तो फॉर्म में क्या होना चाहिए, क्योंकि फॉर्म के लिए तो खर्च है, डेबिट होगा 15,800, 17,600 और 20,600, ये आ गया 54,000। 54,000 चलिए, है ना। अब करते हैं 60,000, और 60,000 के बाद यहां पे आएगा हमारा क्या, पहले यहां पे एक प्रॉफिट निकाल लेंगे, यानी 6,000 का डिफरेंस आ रहा है इसके डेबिट में। डेबिट का मतलब पता ही क्या, 6,000 अगर इसके डेबिट में आ रहा है तो पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म देगा तभी तो डेबिट में आया। तो 6,000 रुपये प्रॉफिट गिवन, ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है, पहले प्रॉफिट वापस ले लो और कोई दोबारा पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया है तो 6,000 और देते हैं भाई इसको, रेशियो क्या है हमारा सेम ही है, तो 1,200 रुपये क्रेडिट होगा और इसके अकाउंट में, फर्म के लिए खर्चा, इनके लिए इनकम 2,400 और 2,400। ठीक है चलिए, अब बस हमें टोटल करना है। तो हमने प्रॉफिट रिटर्न बैक भी ले लिया, इसका देखा जाए तो टोटल ये ज्यादा है, 15,800 प्लस में 1,200, 17,000 रुपये, 17,000 इसका, तो हम इधर ही टोटल लिखेंगे। अब डिफरेंस ज्यादा किधर है, अब सिंपल सा लॉजिक है, आपको 17 मिलना था, मिला 12, तो आपको और क्रेडिट करना पड़ेगा कितने से, 5,000 से, है ना। इधर देखते हैं 17,600 प्लस 2,400 20,000, और इधर 2,400, दोनों साइड 24,24 कर देते हैं। अब 24 किधर ज्यादा है भाई, इधर 20 था ना, इधर 24, तो आपको यहाँ डेबिट करना पड़ेगा कितने से, 4,000 से। इसका चेक करते हैं, चलो आर का, तो आर का इधर का है 20,600 प्लस में 2,400 23 है, तो इधर का 24 और इधर का 24 कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ भी डेबिट करना पड़ेगा कितना, 1,000। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर समझ में नहीं आता ये लास्ट वाला पॉइंट ना हमें, तो देखो सिंपल सी बात है, जिधर का टोटल ज्यादा होगा वही आपके साथ करना होगा। मान लो आपको खर्चा ज्यादा था आपका, तो आपको और डेबिट कर देंगे, प्रॉफिट कम था आपका तो आपको और क्रेडिट कर देंगे, तो सिंपल सा लॉजिक है। तो यहाँ देखो ये 17,000 ज्यादा है, तो क्रेडिट 5, डेबिट और डेबिट। तो अब इसकी जर्नल एंट्री, सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल क्या फिक्स तो नहीं है, नहीं है, तो हम करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे करेंगे हम, तो देखिए इन दोनों को डेबिट करेंगे, तो कौन कौन, क्यूज कैपिटल
और आर्स कैपिटल, और टू आएगा हमारा पीज कैपिटल, है कि नहीं? तो बड़े सिंपल में लिख दिया, बींग तो लिख लोगे आप, पास्ट एडजस्टेड एंट्री पास, और यहाँ आएगा आपका क्यू का 4,000, 1,000 और 5,000। देखो मैंने तो कराया है, आपको फिर भी डाउट आता है तो आप डिस्कस करिए, कमेंट में लिखिए डाउट, अदरवाइज सॉल्यूशन कैसे कर पाओगे। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने करवाया। मेरे वाले असाइनमेंट में तो क्वेश्चन नंबर 37 है, बाकी आप टी एस ग्रेवाल की बुक में भी चेक कर सकते हो, ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं फटाफट से।